हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्यों है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच और कब तक ख़त्म होगा, और न्यू मून की एनर्जी के वजह से क्या बदलाव आया है आपके पर्सन में और इस रिश्ते में क्या होगा जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ये जनरल रीडिंग है, सभी राशियों के लिए है। सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिए जो आपके सिचुएशन के साथ या आपके पर्सन के साथ रेजोनेट करता है, मैच होता है, वही आपके लिए है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका चेहरा भी याद कीजिए और 3 से 7 बार उनका नाम लेना है। हम कैंडल को लाइट करेंगे और आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पर्सन को याद करना है। एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड करें। जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी सिचुएशन क्या है और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन का नाम ज़रूर लीजिए। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन ना आपसे बात करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड भी है और इनसे रहा नहीं जाता है। मतलब शायद ये आपसे बात भी करते हैं लेकिन वो पहला वाला फीलिंग नहीं आता है आपको। ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन के दिल में बहुत कुछ है और आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। मतलब आपने उनके आवाज़ से एक पता लगाया होगा या आपको फील हुआ होगा कि वो बात नहीं है जो पहले इस पर्सन के बात करने के तरीके में थी। मतलब बहुत कुछ है इस पर्सन के माइंड में जो ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते या फिर अभी नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। मतलब डीप इमोशंस है, और जैसे कि एक पर्सन होता है ना, उसके आवाज़ से हमको पता चलता है कि वो सैड है या हैप्पी है, आवाज़ से ही पता चलता है। और अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है तो 100% आपको पता चलेगा कि इस पर्सन की सिचुएशन क्या हो सकती है उसके आवाज़ से। तो ऐसा लगता है ना, आप दोनों के बीच अभी बात बहुत कम हो रही है या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप दोनों के बीच पहले जैसी बात हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो रही है, और बहुत कुछ है इस पर्सन के दिल में जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन ये डरते भी हैं। ये पर्सन को ना ऐसा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे। मतलब अभी आपसे दूर है, ये फिजिकली दूर है। शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ऐसा मुझे लगता है आप दोनों के बीच ना 2-3 घंटे का रास्ता है या 2-3 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ता है उनसे मिलने को, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्यों पता नहीं। तो ऐसा मुझे लगता है ना कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और सोच के रोमांटिक हो जाते हैं, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आपको याद करना या फिर आपको सोच कर रोमांटिक हो जाना, इस टाइप की फीलिंग्स यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है आपके पर्सन की। ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन अभी आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, कॉल पर बात भी करते हैं, लेकिन क्या है ऐसा, कुछ तो बात है जो ये पर्सन को ना इनका माइंड चेंज कर देती है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। बहुत प्यार आपसे भी है और ये पर्सन ना बहुत ही केयरिंग नेचर वाले भी लगते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आपको भी खुश रखें, अपने फैमिली को भी नाराज ना करें, इस टाइप की सोच है इस पर्सन की। सबको खुश रखना चाहते हैं,
ये किसी भी हद तक जान सकते हैं, आपको खुश करने के लिए, आपको स्पेशल फील कराने के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी, ऐसा यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। तो अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट है, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, तो ऐसा लगता है ना, ये पर्सन अपने लाइफ में बिल्कुल स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारी अगर कोई चीज़ खो जाए तो हम परेशान रहते हैं, जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक हम परेशान होते रहते हैं। तो उस टाइप की सिचुएशन आपके पर्सन की है, जहाँ पर आप जब से इनके ज़िंदगी में नहीं हैं तब से ये बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं मुझे, और चीज़ें भी कुछ ठीक नहीं हो रही इस पर्सन की लाइफ में, जिसके वजह से और भी ना ये नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग करना, या फिर कुछ एडिक्शन भी हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, क्योंकि परेशानी है, टेंशन है, तो उसे कैसे दूर करें। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, कि जब से आपने साथ छोड़ा है या आपसे सेपरेशन हुआ है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कि टावर मोमेंट मुझे दिखाई देता है ना, कि ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ ज़िंदगी से चला जाए, और फिर कैसी हालत हो जाती है इंसान की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती, जॉब में इंक्रीमेंट नहीं होता है, जॉब में कुछ खास नहीं होता है, जॉब अगर है भी तो भी मन नहीं लगता है, खाने पीने पे ध्यान नहीं होता है, अगर पहले जिम जाते थे तो अभी नहीं, जाने का मन नहीं करता है, पहले ऐसे लगते थे, लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थे, मतलब अपने आप को एक अच्छा ग्रूम करना, फिट रखना, अच्छा ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव था, ऐसे मुझे लगता है, लेकिन अभी कुछ ध्यान नहीं है, खुद के ऊपर नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, मतलब इनको लगता है कि जिसके लिए मैं इतना सब कुछ करता था या करती थी वही मेरे ज़िंदगी में नहीं है, तो मैं किसके लिए करूँ, सजना संवरना, ऐसा ये पर्सन को लगता है, ऐसा मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर महसूस हो रहा है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रॉब्लम लगता है, मतलब किसी के साथ झगड़ा भी लगता है आपके पर्सन का, शायद फैमिली के साथ हो सकता है या वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, अगर इनका काम में ध्यान नहीं है, कुछ भी गलती हो गई हो, तो ऐसा मुझे लगता है ये पर्सन ना, ऐसा लगता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या फिर लाइफ इंश्योरेंस में हो सकते हैं, किसी बैंक में हो सकते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अगर ये होटल में भी जॉब करते हैं तो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अकाउंटेंट रिलेटेड या फिर CA रिलेटेड कुछ लगता है मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर। जो राशियाँ मुझे महसूस हो रही है ना इस वक्त, उसमें है कुंभ राशि एक्वेरियस, वर्गो राशि कन्या, और टॉरस, वृषभ राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, नेक्स्ट है सेजिटेरियस, धनु राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, उसके बाद एरीज भी है, मेष राशि, ये कुछ राशियाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। तो ये पर्सन को ना आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, शायद ना ये आपको मैसेज भी किया होगा, ऐसा मुझे लगता है, और आपने रिप्लाई नहीं किया है कि क्यों ये पर्सन को अभी इतने दिन के बाद मेरी याद आई, ऐसा ये तो नेचुरल है, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने बहुत कुछ एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, और जब आपको ही रिस्पेक्ट ना मिले या फिर जो आप चाहते हैं थोड़ी बहुत खुशियाँ वो ही आपको ना दे सके ये पर्सन, तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसा आप सोचते हैं, वो भी करेक्ट है, 100% करेक्ट है आपका सोचना भी, लेकिन सामने वाले पर्सन की सिचुएशन क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर आपका रिएक्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, एक बार आपको सुन लेना चाहिए आपके पर्सन की हालात या क्या है उनकी सिचुएशन, उसके बारे में आपको सोच कर फिर फैसला करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर जो इनिशियल्स या जो लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसमें है लेटर ए, लेटर एम, लेटर आर, लेटर जी,
उसके बाद लेटर आई, लेटर पी और लेटर सी। तो कभी कभी पर्सन को ना बहुत चाहत होती है आपसे फोन पर बात करने की या फिर आपको कॉल करने की, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं कि इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां हैं, और अगर आपने गुस्सा किया तो भी डरते हैं और परेशानी बढ़ सकती है, ऐसा भी ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स कुछ ऐसी है ना कि ये अभी ऐसे सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर आपका गुस्सा या आपकी नाराज़गी झेल सके या फिर सहन कर सके। हावेवर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन आने वाले दिनों में इनमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपके रिश्ते में बहुत कुछ पॉजिटिव होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी लगती है, यानी कि किस्मत कभी भी पलट सकती है। सब कुछ पहले जैसा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्यों पता नहीं, मुझे ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, जहाँ पर सभी चीज़ें आपकी फेवर में, आप दोनों का रिश्ता पहले जैसे होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अगर किसी के पर्सन के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, तो मुझे यहाँ पर लगता है ना कि ये थर्ड पार्टी के साथ तो ज़रूर है। अगर आप मैरिड हैं और ये सेपरेट हुए हैं आपसे और थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि है ये थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आपके बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब अपने मन से तो गए वो ये थर्ड पार्टी के साथ, चाहे आपके पर्सन मेल है फीमेल है, थर्ड पार्टी के साथ अपनी मर्जी से गए थर्ड पार्टी के पास, लेकिन फिर भी आपको याद करते हैं। इसका मतलब यही है कि आपके लिए फीलिंग्स कम नहीं हुई, इस पर्सन की फीलिंग्स उतनी ही है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपसे मिलने की चाहत भी है, मतलब इधर भी उधर भी इस टाइप की सिचुएशन लगती है, यानी कि डिसीजन ना ले पाना कि इनको कहाँ पर जाना है, ऐसी कुछ सिचुएशन इस पर्सन की लगती है मुझे। तो बहुत कुछ है इस पर्सन के दिल में जो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से, क्यों पता नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ये आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। या फिर ऐसा भी ये पर्सन को लगता है ना कि आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, इनसे कुछ ना कुछ गलती हुई है और वो गलती माफ़ करने के लायक नहीं है, ऐसा इनको खुद ही लगता है। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि जब प्यार होता है किसी इंसान से तो कितनी भी बड़ी भूल हो या गलती हो माफ़ कर ही देते हैं, क्योंकि वो इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। पता नहीं कि मेरी लाइफ कितनी लंबी होगी या कितनी और मेरे साल लिखे हुए हैं, किसी की भी तकदीर में कितने और साल लिखे हुए हैं कोई भी नहीं जानता है। तो जो भी पल है आप गुजारना चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ, ऐसा मुझे स्ट्रांगली महसूस होता है, जो भी आपकी ज़िंदगी है आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ गुजारे, और सभी सपने जो आप दोनों ने देखे हैं वो पूरे हो, ऐसा आप प्रे करते रहते हैं यूनिवर्स से, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लगता है। तो जब आप मैनिफेस्टेशन ही इतना स्ट्रांग करते हैं ना, तो ये पर्सन आपके प्यार की कदर हो जाएगी इस पर्सन को, और ये लौट कर वापस आते हुए मुझे लगता है, क्योंकि कंप्लीशन दिखाई देता है, भले ही आपके पास थे आपको छोड़कर गए, लेकिन भटक के फिर वापस आते हुए मुझे लगता है कंप्लीशन, यानी कि फिर से वही रास्ते पर उनको आना है जहाँ पर आप इनका वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है कि ये कहीं पर भी जाए आना तो आपके पास ही है, क्योंकि आपके जैसा और कोई नहीं दुनिया में जो इनको प्यार करेगा, जो इनको समझ सकेगा या फिर जो इनकी केयर करेगा, इनकी फिक्र करेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। ये समझ चुके हैं ये इंसान, और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है ना ये लौट कर आपके पास ज़रूर आएंगे। आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहना है। ऐसा भी लगता है ना कि ये आपके डिवाइन कनेक्शन है और थर्ड पार्टी कार्मिक कनेक्शन है, जो थोड़ी टाइम के लिए आया है आप दोनों के बीच, जो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो क्लेम कीजिए आपके रीयूनियन को, क्योंकि
क्योंकि रीयूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और कमेंट कीजिए कि आप रीयूनियन क्लेम कर रहे हैं। आज के रीडिंग में इतना ही। होप आपको ये रीडिंग आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट किया है और गाइडेंस दिया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स।